बड़ी खबर सबसे पहले आप सभी दर्शकों को पहुंचा दें, जो कि मोहाली एमएमएस कांड से जुड़ी हुई है। जी हां, मोहाली यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है कैंपस में। और देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन है। छात्रों ने हल्ला बोल दिया, जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो संख्या देख रहे हैं आप छात्रों छात्राओं की, इनकी भारी नाराजगी, भारी रोष विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। पूरा ये मामला एमएमएस कांड को लेकर है, क्योंकि मोहाली में ये जो वीडियो है उसको लेकर विवाद और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। लेकिन सभी पेरेंट्स अभिभावक जो चिंता में हैं, उनकी चिंता लाजमी है, क्योंकि उनके बच्चे जो भविष्य हैं वो अगर असुरक्षित हैं, उनकी तस्वीर बाहर जाती है, बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है उनके जिंदगी, उनकी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उनके वीसी का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। ये तस्वीर देखिए एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक अपने कैमरों से आप सभी दर्शकों को साझा कर रहा है, प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हंगामा हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने हॉस्टल से निकलकर काले वस्त्र पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं, एक तरफ छात्राएं, एक तरफ छात्र हैं। छात्राएं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालांकि छात्रों ने इस वक्त कैमरा पर चिंता कर दिया, लेकिन छात्र नारे लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण को दबाने में लगा हुआ है। वहीं बहुत सारे जो बॉयज हैं वो भी अपने हॉस्टल से मिले हुए तो जोरदार प्रदर्शन छात्रों की तरफ से, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड को लेकर ये छात्रों का जोरदार प्रदर्शन और हंगामा, मोहाली की तस्वीरें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर ये आरोप कि किस तरह से इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और तरह तरह के जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं उसको लेकर भी भ्रमित करने की कोशिश। लेकिन छात्रों का ये आरोप है कि अब तक सॉलिड एक्शन देखने को नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई सॉलिड होनी चाहिए। सीधा रुख करते हैं मंजीत सहगल का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं आज तक संवाददाता। मंजीत, हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं अभी नजर आ रहे हैं, छात्रों और छात्राओं की अगर बात करें, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्या मांग कर रहे हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इनकी नाराजगी क्या कुछ बता रहे हैं? मंजीत वाइस चांसलर्स के कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक इनकी मांगों का सवाल है, इन छात्र छात्राओं की मांग है कि प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। इसमें कई लड़कियों के कथित तौर पर वीडियोस बनाए गए हैं जिनको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, और प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह का कोई वीडियो बनाया गया। प्रशासन की बात कर लीजिए, चाहे वो पुलिस हो या विश्वविद्यालय का प्रशासन हो, उन्होंने दावा किया है कि इस तरह का कोई वीडियो नहीं बना, सिर्फ जो आरोपी लड़की है उसने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा एक एमएमएस बनाकर भेजा था। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जैसा कि हमने देखा कि हॉस्टल वार्डन भी उस आरोपी लड़की से लगातार पूछताछ कर रही थी। एक वीडियो में लड़की स्वीकारोक्ति भी कर रही है, और कुछ दूसरे वीडियोस में जो कंप्लेनेंट थी वो तीन लड़कियां थी, उन्होंने उस वीडियो बनाने वाली लड़की को रंगे हाथ पकड़ा था कि वो वीडियो बना रही थी। वो वीडियोस कहां है, क्या वो डिलीट कर दिए गए? फिलहाल पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है। पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि लड़की से जो मोबाइल फोन जब्त किया गया है उसे फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, वहां से डिटेल आएगी क्या जो वीडियोस डिलीट किए गए थे उनको रिट्रीव किया जाता है। मंजीत, किसी भी छात्र से अगर आप चाहें तो थोड़ी बात कर सकते हैं कि आखिर नाराजगी क्या, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और
कोई किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कि आशुतोष में कुछ छात्र यहाँ पे जो 60 लड़कियों का एमएमएस बना था उसके लिए यहाँ पे कॉलेज प्रशासन कह रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और लड़कियों को कहा जा रहा है कि वो लड़कियाँ उस लड़की ने अपना सिर्फ वीडियो बनाकर वायरल किया है अपने बॉयफ्रेंड को भेजा है और ये गलत बात है क्योंकि लड़कियों के पास लड़कियों ने ये वीडियो अपना खुद देखा होता भी कौन आता है कहता है कि हमें लाइक करना है और आज सुसाइड हुई है तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। साफ सीधी सी बात है खबर दबाई जा रही है और जो जो लड़की ने वीडियो बनाया है वो लड़की को इन्होंने तब तक छुपा के रखा उसकी अभी तक ना कुछ हुई है ना कोई एक्शन ले रहे अब तक उसके खिलाफ। प्रदर्शन किस लिए वीडियो बनाई गई लड़की द्वारा खुद अपनी वीडियो देखी गई है बात ऐसी है इसीलिए सारे एकदम ऐसे कर रहे हैं। देखा किस तरह से छात्र प्रशासन के दावों को झुठला रहे हैं उनका ये आरोप है कि प्रशासन वीडियो सामने आने के बावजूद भी मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो वाइस चांसलर है विश्वविद्यालय के या फिर प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया गया लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं पूरे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में इस वक्त हंगामा काटा जा रहा है छात्र बड़ी संख्या में। मंजीत पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं वहां के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से इतर वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और जो एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो उनकी अभी तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए जहां तक पंजाब के शिक्षा मंत्री या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा मामला दर्ज कर लिया गया है जांच को निष्पक्ष तौर पर किया जाएगा जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ये आश्वासन पंजाब सरकार की तरफ से दिया गया है लेकिन लगता है उस आश्वासन का इन प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर कोई असर नहीं है। छात्र छात्राएं मानने को तैयार नहीं है और लगातार हम सुन रहे नारे वी वॉन्ट जस्टिस और छात्राओं का बड़ा आरोप यह है कि प्रशासन इस मामले को दबा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे बड़ी संख्या में वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे जिनको डिलीट कर दिया गया। हॉस्टल की वार्डन तक पर आरोप है कि इस वार्डन ने लड़कियों को बुला बुलाकर उनके मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट करवाए हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने लेकिन मंजीत एक सवाल का जवाब जो सभी जानना चाहते हैं मैं भी जानना चाहता हूं किसी भी छात्रा से आप बात करके सवाल का जवाब ले सकते हैं संक्षेप में लेकिन वक्त की कमी है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों बचाने की कार्रवाई कर रहा है अगर छात्रों को लगता है कि बचाया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है क्या वो पावरफुल है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है प्रशासन बचा क्यों रहा है। देखिए आशुतोष हमने छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश की वो ऑन कैमरा कहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए ये तो बहुत गलत हुआ है हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि मामला दर्ज हो गया लड़की गिरफ्तार हो गई है दर्ज हो गई बट वो उसकी जो नियाकरण उसके साथ जितने लोगों ने शामिल है सबके इंसाफ चाहिए एक भी बंदे को नहीं छोड़े जाएंगे जो जो इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें क्या और आरोपी भी शामिल है आपके मुताबिक और भी है क्योंकि एक लाती लड़की नहीं कर सकती ये काम। कितने वीडियो वायरल हुआ बता सकते हैं 60 प्लस हुए यहाँ पे वीडियो अब ये नहीं पता उसके पास और भी कितने होंगे। तो मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है क्या यस जी मंजीत तो बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट अभी आप देख पा रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं अधिकतर आपको ये काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर घटना को लेकर और निश्चित तौर पर ये भी हमें सियासत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है अलग अलग स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं। और हालांकि चंडीगढ़ अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है वीसी आरएस बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है और सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा कार्रवाई हो रही है लड़की को गिरफ्तार भी किया जा चुका है लेकिन एमएमएस कांड में कितना सच है कितनी अफवाह है ये भी अभी तक एक पहेली बनी हुई है सवाल है इसको लेकर तरह तरह के चुके सवाल उठ रहे हैं लेकिन छात्रों की नाराजगी को देखिए तमाम ये सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब कुछ ऐसा था ही नहीं तो इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था क्यों कर दी गई आखिर पहले से इनको कैसे जानकारी थी। और लेकिन यह भी एक सवाल है कि आखिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि बचाया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है क्या आरोपी पावरफुल थे या फिर इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है बहुत सारी चीजें अभी इसका खुलासा होना बाकी लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में आप सभी दर्शकों को जो पहुंचा रहे हैं मोहाली से चुकी सीधी तस्वीरें हैं आज तक के कैमरे से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं।